मैं अधिवक्ता एडवोकेट उमेश सुमन आज आपके समक्ष कानून की जानकारी विस्तृत करूंगा। जिस कानून की जानकारी मैं आपके समक्ष विस्तृत करूंगा वो कानून है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा और उससे पहले मैं आपके समक्ष कुछ अपने विचार रखूंगा और कहूंगा। वो विचार है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक और मेरा यूट्यूब चैनल यूएस लीगल को भी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। मैं इस कानून के बारे में आपके समक्ष कुछ जानकारी रखूंगा। ये कानून हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स हुई, पर ये सबसे पहले ये कानून हमारे हिंदुस्तान और पार्लियामेंट में 1955 में पास हुआ। उसके पास होने के बाद इसमें अमेंडमेंट होने के साथ साथ सिविल राइट, और सिविल राइट का एक मतलब है कि हर व्यक्ति को हमारे समाज में उसका एक अधिकार दिया गया है कि उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार, मेरा कहने का भी अभिप्राय यह है कि उसके साथ कोई अनटचेबिलिटी ना हो और कोई भेदभाव ना हो किसी भी क्षेत्र में। अगर वो होटल में खाना खाता है, वर्शिप करता है, कहीं म्यूजियम में जाता है, कहीं बड़े बड़े स्थानों में जाता है, दैट मीन्स कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड अदर थिंग्स। सो ये एक मेरा आपके समक्ष इसके प्रति एक अभिप्राय था। और एक्ट टू पनिशमेंट फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग। और इसके साथ ये जो पार्लियामेंट में इनेक्टमेंट हुई, इसकी ये इनेक्टमेंट हुई है इन द 60th ऑफ द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, उस टाइम इसकी इनेक्टमेंट हमारे इसमें हुई। और ड्रीम ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का एक ड्रीम था कि वो कहते थे कि देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड इन आवर कंट्री एंड इट शुड बी अबॉलिश्ड फ्रॉम आवर कंट्री। उन गांधी जी का कहने का अभिप्राय था कि भी हमारे समाज से जाति प्रथा और जो प्रिवेलिंग है उसको खत्म किया जाए ताकि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर स्त्री, हर पुरुष को एक समान सा अधिकार दिया जाए। स्त्री पुरुष अगर वो मंदिर में जाना चाहते हैं तो उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार दिया जाए, अगर वो होटल में जाना चाहते हैं तो उन्हें होटल में जाने का अधिकार दिया जाए, अगर वो बाजार में जाना चाहते हैं तो उन्हें वह बाजार में जाने का अधिकार दिया जाए। मेरा कहने का अभिप्राय ये है और हमारे संविधान में आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में जो दर्शाया गया है उसके अभिप्राय ये दर्शाता है कि भी किसी के साथ किसी भी तरह की कोई भी अनटचेबिलिटी हमारे समाज में ना हो। और इसके साथ साथ पॉजिटिव स्टेप ये है कि टू अचीव द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15 और 21 में भी हर व्यक्ति को समान अधिकार, किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये भी हमारे संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर सा एक मापदंड दिया गया है जिसे हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। और साथ और जो इसके बाद मैं आपके समक्ष कुछ अपनी सिविल राइट के बारे में बताऊंगा वो है कि कोई भी व्यक्ति होटल, म्यूजियम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बनाता है तो वहाँ पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति कहीं भी वो जाना चाहे वो जा सकता है, ये इसमें एक प्रोविजन दिया गया है। और
punishment for enforcing a religious disability. इसमें ये बताया कि on the ground of untouchability prevent किसी को रोकना for entering any कहीं पे रोकथाम लगाना entering from any public place or worship place or other profession में भी मानो कोई job करता है उसे कोई untouchability का उस job पे एहसास दिलाता है या उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार करता है गाली गलौज करता है या उसकी जाति पाति के बारे में कुछ विचार रखता है तो इसको रोकने के लिए इसमें भी रिलीजियस डिसेबिलिटी और कुछ प्रोविजंस दिए गए फ्रॉम वर्शिपिंग और ऑफरिंग अ प्रेयर और परफॉर्मिंग एनी रिलीजियस सर्विस इन एनी प्लेस पब्लिक वर्शिप बाथिंग इन यूज शैल बी और इसमें साथ क्या एक कानून का जो एक इस एक्ट में प्रोविजन दिया गया है कि उसमें क्या सजा का मापदंड दिया है वो मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर आफ्टर नॉट लेस देन 1 month एंड नॉट मोर देन 6 month और 1 month से कम की सजा नहीं होनी चाहिए और 6 महीने से भी कम की सजा इसके बीच की सजा इसमें हो सकती है ये इसमें प्रोविजन दिया गया और फाइन भी लगभग इसमें विच 100 rupees और मोर देन 500 से ज़्यादा इसमें फाइन भी नहीं हो सकता और इसमें जो अगला अभिप्राय मैं आपके समक्ष और देना चाहूँगा वो है पनिशमेंट फॉर इन्फोर्सिंग आ सोशल डिसेबिलिटी और इसके बारे में क्या ये बोलता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फोर्सिंग एनी डिसेबिलिटी रिगार्डिंग कहीं शॉप में होना और पब्लिक रेस्टोरेंट होटल में कोई डिस्क्रिमिनेशन करना या कोई छुआछात की बात करना इस तरह की कोई उत्पीड़ना करना किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई साथ में कोई भोजन कर रहे हो कोई रोटी खा रहे हो या फिर कोई सामान ले रहे हो तो इसमें भी एक एक्ट के तहत कुछ प्रोविजन दिया गया है और मानो कोई प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑक्यूपेशन बिजनेस करता है ट्रेड करता है तो इसकी इसमें भी एक सजा का जो मापदंड दिया गया है वो एक कानून के तहत दिया गया है और यूज ऑफ एक्सेस ऑफ रिवर वाटर कोई रिवर को इस्तेमाल करता है वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसमें भी एक सजा का प्रावधान दिया गया है ये सजा है 6 इसमें जो सजा का प्रावधान है 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती और 1 month से कम नहीं हो सकती और इसमें फाइन भी लगभग 500 rupees तक का एक्ट में संविधान में और एक्ट के तहत दिया गया है और एक बात सामने निकल के आती है कि भी रिस्ट्रेनिंग अ हरिजन फ्रॉम टेकिंग अ वाटर फ्रॉम वेल ऑन अ गन पॉइंट और ग्राउंड दैट दे अनटचेबल इज ऑफेंस स्टेट ऑफ कर्नाटका एक केस हुआ था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बाबू 1993 CRLJ 1029 सुप्रीम कोर्ट बेस तो इसमें भी ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है कि भी किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी कोई भी किसी तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो यदि डिस्क्रिमिनेशन होती है तो एक्ट और हमारे कानून में पूरा प्रचलन और पूरा प्रावधान दिया गया है कि उसे सजा का हक मिलनी चाहिए उसे सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह के कृत्य करता है और इसके तहत जो मैं आपको अगली बात आपके समक्ष रखनी चाहूंगा वो है पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू एडमिट अ पर्सन एक्ट इन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी मानो हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है और एडमिट होने के बाद उसका रिफ्यूजल होता है उसकी एडमिशन टू हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होटल और डिस्पेंस एजुकेशन जो होते हुए इस्टेब्लिश एडमिटेड बाय एंड विच और आफ्टर दैट क्या होता है कि जब इसमें एडमिशन हो जाती है एट दैट टाइम इसके बाद क्या हो जाती है इसमें डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है कास्ट क्रिएट कल्चर के बारे में तो इट
और विच इज नॉट गुड फॉर द पीपल दोज हु हैव बीन एडमिशन इन हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन एंड सिटिंग इन द होटल्स और उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उसमें भी कुछ सजा का प्रावधान दिया गया है इस एक्ट और इस कानून के तहत जो दिया गया है शैल बी पुनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफ नॉट लेस देन वन मंथ और नॉट मोर देन सिक्स मंथ ऑल्सो विद फाइन फाइन इस एक्ट में फाइन का भी प्रोविजन दिया गया है और ये फाइन लगभग 500 से ज़्यादा और 1000 से कम का एक प्रोविजन इसमें दिया गया है और पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर सर्विसेज हुएवर ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी टू रिफ्यूज टू सेल एनी गुड्स और रेंडर ऑफ एनी शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन वन मंथ नॉट मोर देन सिक्स मंथ मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि भी अगर कोई व्यक्ति बाजार में सामान खरीदता या बेचता है अगर कोई व्यक्ति उससे सामान लेता है अगर वो व्यक्ति वहाँ पर कास्ट क्रेडिट के बारे में कोई विचार या कोई अपनी मंथन उस व्यक्ति के सामने रखता है तो उसके लक्ष्य पे उसके उपरांत भी इसमें एक्ट के तहत एक प्रावधान दिया गया है जो प्रावधान इसमें दिया गया है वो है एक महीने से ज़्यादा और 6 महीने से कम की सज़ा का होने का प्रावधान है और फाइन का भी प्रावधान दिया गया है जो फाइन का प्रावधान दिया गया वो लगभग 500 रुपये से के बीच का दिया गया है तो ये भी एक तरह का ये क्रियाकलाप इसमें दृष्टांत दिया गया है और जो मैं आपके समक्ष अपने विचार और मैंने जो कुछ इस कानून के बारे में आपको कुछ संक्षेप में कुछ जानकारी दी है पर मैं जो आपके सामने अगला विचार और अपनी व्याख्यान रखने जाऊंगा वो है कि हमारे देश से अनटचेबिलिटी को निकाला जाए और हर व्यक्ति को समान अधिकार समान तरह का एक समाज में जीने का अधिकार दिया जाए हर व्यक्ति हर किसी के साथ कोई भी कास्ट क्रीड और अनटचेबिलिटी का एहसास ना हो सके इसलिए हमारे संविधान के आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया गया है उस एक्सप्लेनेशन के तहत समाज में हर व्यक्ति को इक्वलिटी डिग्निटी फ्रेटिनिटी और साथ में एक सेकुलरिज्म का एहसास होना बहुत ज़रूरी है।